हेलो फ्रेंड, आज हमने बनाया है चॉकलेटी फ्लेवर का केक, और वो भी होममेड केक। ना ही कुकर में बनाया है, ना ही कढ़ाई में, और ना ही ओवन में। तो आप लोग फुल वीडियो वॉच करिएगा, तभी पता चलेगा कि हमने ये केक बनाया है किसमें। बहुत अच्छा केक हमारा बन के रेडी हुआ है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने चल रही हूँ केक, और वो भी बिस्किट का केक। तो हमने लिया है, ये कोकोनट है बिस्किट हमारा, तो आज हम इस कोकोनट बिस्किट से बनाएंगे केक। तो हम इसको पहले एक बर्तन में निकाल लेते हैं बिस्किट को। तो हमने बिस्किट को एक प्लेट में निकाल लिया है, तो अब हम ले लेते हैं एक मिक्सर जार, और इस बिस्किट को तोड़ तोड़ के हम इस मिक्सर जार में डालेंगे। ये देखिए, इसी तरह से देखिए, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे हम मिक्सर जार में डाल लेते हैं बिस्किट को। तो बिस्किट को हमने मिक्सर जार में डाल लिया है, मिक्सर जार हमारा छोटा वाला है, तो इसीलिए इतना बिस्किट बच गया हमारा। तो हम दो बार में पीसेंगे बिस्किट को, और उसके बाद हमने लिया है ये चीनी। तो इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे, 1 चम्मच के करीब हमने इसमें चीनी ऐड कर दिया है। और अगर आप ना चाहें तो इसमें चीनी मत ऐड करिए, क्योंकि ये बिस्किट मीठा होता है। लेकिन मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे मीठा ही ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हमने इसमें 1 चम्मच के करीब चीनी डाल दिया है। और अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो चीनी स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हम पीस लेते हैं, एक फाइन पाउडर हमको तैयार करना है इसका, बिस्किट का। तो ये देखिए, हमने इसको एकदम बारीक पीस लिया है। तो इसको हम एक बाउल ले लेते हैं, और इसी बाउल में हम इसको पलट लेते हैं। और इसी तरह से हम ये जो बाकी का बिस्किट बचा है इसको भी पीस लेते हैं। ये हमने इसको फाइन पाउडर तैयार कर लिया। ये देखिए, अगर आपको डाउट है कि ये हमारा पिज्जा नहीं है, तो आप छन्नी से इसको छान सकते हैं, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया, इसमें जरा से भी गुठलियां नहीं है। हमने लिया है ये दूध, 1 कप के करीब हमने दूध लिया है। ये इसको थोड़ा थोड़ा दूध ऐसे करके डालेंगे, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा दूध करके हम डालते जाएंगे, और इसको ऐसे हम फेरते जाएंगे, और इसमें लम्ज ना बने, इस बात को हमको ध्यान में रखना है, इसमें गुठलियां ना बने। तो अच्छी तरीके से इसको हमको फेटना है, और एक स्मूथ बैटर एक तैयार करना है हमको इसका। ये देखिए, एकदम स्मूथ बैटर तैयार हुआ है हमारा, इसमें जरा से भी लम्ज नहीं है, जरा से भी गुठलियां नहीं है। और ये देखिए, 1 कप हमने दूध लिया था, और 1 कप दूध पूरा इसमें लग गया। और दूध जो हमने लिया था वो रूम टेम्परेचर दूध था, यानी गुनगुना दूध था। ज्यादा लो भी नहीं लेना है, ज्यादा हाई भी नहीं लेना है, मीडियम का दूध से हमको इसको बैटर तैयार करना है। ये देखिए, हमने इसको बैटर तैयार कर लिया है, तो हम इसको रख देते हैं साइड में, और हम अपना अगला प्रोसेस देखते हैं। तो हमने लिया है ये मोमो का बर्तन, आज हम मोमो के बर्तन में केक बनाएंगे। तो हमने इसको गैस जला के रख दिया है, और अब इसमें हम डालते हैं नमक। ये देखिए, ये नमक हमने एक बार यूज किया है, पतले लेयर में इसको फैला देंगे। तो हम ये मोमो का बर्तन हमारे पास है, तो हम मोमो के बर्तन में बना रहे हैं, ना तो कुकर में बना रहे हैं, ना तो कढ़ाई में बना रहे हैं, बड़ा बर्तन हमारे पास है, तो हम इसी में बनाएंगे। और हमने नमक फैला दिया है, अब इसको हम ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं, इसको हीट होने देते हैं। तो जब तक उधर नमक हमारा हीट हो रहा है, तब तक हम इसमें अपना ये लिया है हमने ये बेकिंग सोडा। ये देखिए, ये बेकिंग सोडा है, तो हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। और इसमें हम ये देखिए, 1 पिंच के करीब होगा ये बेकिंग सोडा, इतना ही बेकिंग सोडा इसमें हम डालेंगे केक में। और इसके बाद इसको हम एक ही डायरेक्शन में मिला लेते हैं, और इस बात को हमको ध्यान में रखना है, जब हम इसमें बेकिंग सोडा डालें या बेकिंग पाउडर डालें, तो हम इसको एक ही डायरेक्शन में मिलाना है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमको इसको ज्यादा फेंटना नहीं है, बस इसको हमको मिला लेना है बस। हमने इसको मिला लिया है, और हमने लिया है ये वनीला एसेंस, और ये पाइनएप्पल फ्लेवर का है एसेंस हमारा। डालेंगे केक में फ्लेवर आने के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए, कोई जरूरी नहीं है। तो हम इसमें डाल देते हैं फ्लेवर आने के लिए। देखिए, 1 चम्मच के करीब लिया है हमने ये एसेंस, और इसमें हम डाल देते हैं, इससे हमारे केक में फ्लेवर आ जाएगा। तो हम इसको मिला देते हैं।
हम देखते हैं नमक हमारा हिट हो गया कि नहीं। नमक हमारा हिट हो गया है, तो अब हम इसमें ये रखते हैं, हमारे पास ये है दीपक जो हम दीपावली में जलाते हैं, वही है हमारे पास दीपक। तो हम ऐसे इसके किनारे किनारे रखेंगे, और अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप इसके बीच में स्टैंड रख दीजिए। तो हमारे पास स्टैंड नहीं है तो इसीलिए मैं इसमें ये दीपक रख रही हूँ। अगर आपके पास दीपक भी नहीं है तो आप इसके बीच कटोरी रख सकते हैं, उससे भी अच्छा बनेगा। तो अब हम इसको एक कंटेनर में डाल लेते हैं। तो हमने लिया है ये ढोकला बनाने वाला बर्तन हमारे पास था, तो हमने इसी में उसी में बना रही हूँ। कि अगर आपके पास कोई भी बर्तन हो अल्मोनियम का हो तो आप उसमें बना सकते हैं। तो हमने इसको तेल से ग्रीस कर लिया है, उसके बाद हमने लिया है ये सिल्वर पेपर, और हम इसमें सिल्वर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास सिल्वर पेपर ना हो तो आप इसमें मैदा हो या आटा हो इसमें छिड़क दीजिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आटा हो उसको ऐसे ऐसे करके किनारे किनारे उसको बाहर निकाल। तो हमने सिल्वर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास सिल्वर पेपर भी नहीं है तो आप इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। लगा दिया, उसके ऊपर से भी हम इसमें तेल लगा देंगे ताकि जब हम केक निकालें पर हमारा केक में चिपके ना, इसीलिए हमने इसीलिए हमने सिल्वर पेपर के ऊपर भी तेल लगा दिया है अच्छे तरीके से। हम इसमें अपना ये जो बैटर तैयार किया है बैटर को डालते हैं कंटेनर में हम। तो बैटर हमने डाल दिया है, इसको एक बार ऐसे टप कर देंगे ताकि इसमें जो बबल है वो निकल जाए। इसको बहुत सावधानी से रखना है ताकि हाथ में टच ना हुआ। तो केक अपना वैसे रख देते हैं और इसको हम ऐसे ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं पकने के लिए। और को इसको स्लो फ्लेम में पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करना है हमको। इसको छोड़ देते हैं पकने देते हैं, और हमको इसको बीच बीच में चेक करते रहना है। तो हम चेक कर लेते हैं केक हमारा बन गया है कि नहीं बन गया। और ये देखिए केक हमारा बहुत अच्छे से फूला है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमने लिया है नाइफ, और नाइफ की सहायता से हम इसको चेक करेंगे। और ये देखिए नाइफ हमारा एकदम क्लीन निकला है। ये देखिए एकदम क्लीन निकला है, यानी केक हमारा एकदम बन के रेडी हो गया है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसको केक को ठंडा होने देते हैं। तो ये अब ठंडा हो गया है, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने इसका पेपर भी निकाल दिया है, और ये देखिए कितना स्पंजी केक हमारा बन के रेडी हुआ है। बहुत अच्छा केक हमारा बन के रेडी हुआ है, ये देखिए। तो ये हमने लिया है डेयरी मिल्क चॉकलेट। तो अब हम इसको चॉकलेट इसमें तोड़ के डाल लेते हैं, और इसका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे केक को डेकोरेट करने के लिए। इसी तरह से हम अपना चॉकलेट निकाल लेंगे। तो हमने हल्का सा इसमें दूध डाला था और इसको हमको घोल बनाना है। तो हल्का सा गरम कर लेंगे गैस पे। तो हमने इसको दूध डाल के इसको घोल बनाना है। ये देखिए अभी इसमें गुठलियां हैं, तो हमको इसको एकदम से स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए हमने इसको घोल बना लिया है डेरी मिल्क का। तो अब इसमें हम डेकोरेट करेंगे। तो इसके ऊपर एक लेयर हम रख देते हैं। इसके ऊपर भी ऐसे हम देखिए हमने इसको डेकोरेट कर लिया है। तो थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए
हमने डेरी मिल्क और इसे ग्रेट करके इसके ऊपर सजाएंगे। है तो हमने ये लिया है डेरी मिल्क और इसके ऊपर ऐसे हम तो हमने इसको डेरी मिल्क चॉकलेट से डेकोरेट कर लिया है। और उसके बाद हमने लिया है ये व्हिप्ड क्रीम, और व्हिप्ड क्रीम से भी थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे ताकि केक हमारा और सुंदर लगे देखने में। आप इसमें अपने मर्जी के अकॉर्डिंग चाहे जो डिजाइन दे दें, देखने में अच्छा लगना चाहिए बस, और क्या। हमने इसमें डिजाइन दे रखा है, आप अपने मर्जी के हिसाब से चाहे जो डिजाइन दे दें। तो अब इसमें हम, अगर आपके पास चेरी हो तो आप इसके ऊपर चेरी रख दें। हमारे पास चेरी नहीं है तो मैं इसमें टूटी फूटी रख रही हूँ, इससे थोड़ा केक हमारा और ज्यादा सुंदर लगेगा। ये देखिए हमने इसमें टूटी फूटी रख के इसको डेकोरेट कर दिया है, और ये देखिए कितना गजब हमारा केक बन के तैयार हुआ है, एकदम मार्केट जैसा लग रहा है ना। ये देखिए केक हमारा बन के रेडी हो गया है, बहुत अच्छा केक हमारा बन के रेडी हुआ है। तो क्यों ना ऐसे हम घर में बना के ही ट्राई करें, करें किसी का बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो तो आप इसी तरह केक बना सकते हैं। और हमने इसको चॉकलेटी फ्लेवर दिया है, आप अपने मर्जी अकॉर्डिंग चाहे जो फ्लेवर दे दें। तो हम आपको काट के दिखाते हैं इसे कि कितना अच्छा केक हमारा बना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट केक हमारा बन के तैयार हुआ है, और कितना स्पंजी बना है केक हमारा, और खाने में भी टेस्ट भी है। तो कैसे लगा आप सबको हमारा ये होममेड केक? और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हो, हमें सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।